बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नायला भट्टी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर मोहम्मद सुहेल चौधरी, सीपीओ मुल्तान सादिक अली, थाना कादेपुरा की हदूद में फायरिंग से जख्मी होने वाले एसएचओ थाना कादेपुरा सरफराज अहमद की आयादत के लिए निश्तर अस्पताल पहुँच गए। एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान अरसलान जाहिद, एसपी गुलगश्त डिवीजन अयाज हुसैन, एएसपी कैंट तैयब वजीर और डीएसपी हेडक्वार्टर्स नमरीन मुनीर उनके हमराह थे। आरपीओ मुल्तान कैप्टन मोहम्मद सुहेल चौधरी, सीपीओ मुल्तान ने जेरे इलाज एसएचओ की आयादत की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और सेहत याबी के लिए दुआ की। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से भी उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, जिन्होंने बताया कि उनकी हालत बेहतर है। सीपीओ मुल्तान ने अस्पताल इंतजामिया से जेरे इलाज एसएचओ के बेहतरीन इलाज और मुआवजे की दरख्वास्त की। सीपीओ मुल्तान ने एसपी गुलगश्त को भी हिदायत की कि एसएचओ का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। सीपीओ मुल्तान ने एसएचओ को माली इमदाद के लिए 1,00,000 रुपए की रकम दी। शाम 6:30 बजे के करीब एसएचओ कादिरपुरा सरफराज अहमद कादिरपुरा की हदूद में लड़ाई झगड़े की इत्तला पर मौके पर पहुंचे थे, जहां 12 बोर के फायर लगने से जख्मी हो गए, जिसके बाद उनको निश्तर अस्पताल लाया गया, जहाँ वो जेरे इलाज है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहे 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तनद खबरों की दुनिया।